और ध्रुव राठी भाई तुमने क्या पूछ लिया धर्मेंद्र प्रधान से कि 3 साल के अंदर शिक्षा के प्रति क्या काम किया? ये चीटिंग हो रही है यहाँ पे, ये सबको पेपर बताया जा रहा है। ये देखो सबके पास फोन है, ये ऐसे होते एग्जाम्स, फिर क्यों करे पढ़ाई? बताओ कितने पैसे दिए किस किस ने? ये इनके हेड है देख लो। हाँ धर्मेंद्र प्रधान जी, आप ही बता दो कितना काम किया एजुकेशन के लिए आपने देश में पिछले 3 सालों में। देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, मैं संजय सक्सेना, मेरे यूट्यूब में सच की आवाज पे आपका स्वागत है। पहले ये ध्रुव राठी की वीडियो देखी, फिर उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। इनके ट्विटर पर जाकर अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है ये एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के पीआर मिनिस्टर। ऊपर से लेकर नीचे तक आपको दिखेगा सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा। हर दूसरे ट्वीट में मोदी का मेंशन किया गया है, कभी मोदी अगेन, कभी मोदी 3.0, कभी मोदी ये, कभी मोदी वो, लेकिन नीट एग्जाम को लेकर आपको कहीं कोई ट्वीट मिल जाए तो मुझे बता दें। अरे नीट तो छोड़ो, एजुकेशन से रिलेटेड एक भी ट्वीट ढूंढ कर दिखा दो इनके ट्विटर अकाउंट। ऐसे लोगों की वजह से देश की पूरे एजुकेशन सिस्टम की ये हालत। हाँ धर्मेंद्र प्रधान जी, आप ही बता दो कितना काम किया एजुकेशन के लिए आपने देश में पिछले 3 सालों में। तो दर्शकों देखा आपने, और ध्रुव राठी भाई तुमने क्या पूछ लिया धर्मेंद्र प्रधान से कि 3 साल के अंदर शिक्षा के प्रति क्या काम किया? अरे ये खुद अनपढ़ और जाहिल किस्म के लोग हैं, इनसे आप कोई उम्मीद मत रखो। इनका क्या काम है? नकल करवाना। अब ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, इसके अंदर देखो ध्रुव भाई कि इसने किया क्या है, ये किस तरीके से नकल हो रही है, और दाद दूंगा इनकी हिम्मत की जिसने भी ये वीडियो बना के खुलासा किया। देखें इस वीडियो को और आगे की चर्चा बाद में। भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना, कैसे खुलेआम नकल कराई जा रही है? ये चीटिंग हो रही है यहाँ पे, ये सबको पेपर बताया जा रहा है। ये देखो सबके पास फोन है, सबके पास फोन है, ये देखो A to Z, यहाँ सबके पास फोन है। ये दिख रहा है फोन, गूगल मीडिया पे सर्च कर करके बता रहे हैं इनको। ये देखो पूरी लाइन भरी पड़ी है, ये ऐसे होते एग्जाम्स है ना, फिर क्यों करे पढ़ाई, क्यों फोड़े आँख? हाँ अगर एग्जाम ऐसे ही होने हैं तो क्यों करी जाए पढ़ाई? बताओ कितने पैसे दिए किस किस ने? बताओ, ये इमेज है, ये इनके हेड है देख लो, ये देखो सारों के चेहरे देखो। तो दर्शकों देखा आपने, और इम्तिहान लेने वाले टीचर कितनी बेशर्माई और बेहयाई से खड़े हुए इधर उधर देख रहे हैं, कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहे, जैसे खुला खेल फरुखाबादी हो रहा है, उनको किसी चीज का भी डर नहीं है, खुलेआम नकल कराई जा रही है मोबाइल से। और आप देख सकते हैं इसी तरीके से पूरे 24 लाख नीट के बच्चों का जो भविष्य दांव पे लगा, और कहां बिहार और कहां गुजरात, बिहार का बंदा गुजरात चुन रहा सेंटर की, मैं वहां जाके पेपर दूंगा, तो जरूर कोई दाल में काला है। दर्शकों अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और लाइक करें या ना करें तो शेयर जरूर करें, क्योंकि ये लाखों बच्चों के जीवन का सवाल है। बीजेपी के अनपढ़ जाहिलों को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। नमस्कार।